भाभी भी आएंगी, भतीजा भी आएगा मेरा, पूरा आरा में शोर भी मचेगा, खूब पार्टी मनेगी। हम देखबे करो। बोल भी रहे हो कि मीडिया में सब कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कैमरे के सामने, और बोल भी रहे हो। दोस्तों जिसको जितना मालूम है, जिसको जो भी मालूम है वो बोल दे रहा है, सोशल मीडिया पे आकर अपना ज्ञान को दे करके चला जा रहा है। लेकिन हम बताएंगे आपको, बिल्कुल सत्य दिखाएंगे। थंबनेल देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह पे हम बात करने वाले हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह पे जो मुद्दा चल रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया 5 करोड़ रुपए ज्योति सिंह की तरफ से मांग है और एक फ्लैट दिल्ली में मांग किया जा रहा है। लेकिन देखिए इसके पीछे जो हवा उड़ाया जा रहा है, मतलब कहें तो भैया एकदम फेक न्यूज है ये। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो हम आपको बताते हैं और बिल्कुल स्पष्ट दिखाएंगे। और पवन सिंह के घर वाले, कहे तो उनके चचेरे भाई जो हैं ऋतिक सिंह, ये क्या कुछ बोल गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ज्योति सिंह के राम बाबू सिंह जो पिताजी हैं वो क्या बोल रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए इन सब चीजों को देखने के लिए थोड़ा आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर कर ही देना यार। और ऐसे ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। दोस्तों पवन सिंह और ज्योति सिंह का आरा कोर्ट में जो सुनवाई हुआ था, उस सुनवाई के बाद मतलब सोशल मीडिया पे कहें तो भैया इतना छिया लेदर कर दिया गया था कि ज्योति सिंह की तरफ से मांग किया गया है 5 करोड़ रुपए का और प्लस एक दिल्ली में फ्लैट का मांग किया गया। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए ज्योति सिंह के पिताजी जो है उनका कहना है कि 3 करोड़ रुपए का हमने मांग किया अपनी लड़की के लिए, और पवन सिंह करीबन 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। देखिए उनके पिताजी का कहना है कि अगर वो 1 करोड़ देते हैं तो वो हमसे ही 1 करोड़ ले लें और हमारी लड़की को बाई इज्जत भाई अपने घर में रखें। और अगर वही बात करें ऋतिक सिंह का, तो देखिए इंडस्ट्री में इनको कोई जानता नहीं था, लेकिन कंट्रोवर्सी के दम पर, भैया के दम पर पीछे पीछे भैया 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 एगो सेल्फी भैया एगो सेल्फी करते करते आज ऋतिक सिंह सोशल मीडिया पे मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इन सब मामलों को लेकर के, कंट्रोवर्सी वाले मामले को। अब देखिए ऋतिक सिंह का कहना ये है, कहना क्या है हम आपको पहले सुना देते हैं। भतीजा भी आएगा मेरा, पूरा आरा में शोर भी मचेगा, पार्टी भी होगा। भैया आरा में पार्टी होगा कि नहीं होगा वो तो इन फ्यूचर वाली बात हो गई, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो मामला चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आरा में पार्टी चलेगा, आरा में पार्टी होगा, भतीजा होगा। क्योंकि पवन सिंह, हम आपको बता दें पवन सिंह अपने माइंड से काम नहीं करते हैं, उनके आसपास जितने भी चमचे एलचे बेलचे होते हैं। वीआईपी विजेंद्र का बात आपको याद होगा, जब वो बोले थे कि पवन सिंह को अकेला छोड़ दिया जाए तो उनका घर जो है चुटकी में बस सकता है। लेकिन दोस्तों इस पे ही बहुत से यूट्यूबर हैं जो कि वीआईपी विजेंद्र को बहुत ट्रोल किए थे। देखिए बात हमें बहुत सही लगा था वीआईपी विजेंद्र का, भले ही कोई कितना भी ट्रोल करे, लेकिन ये बात जो बोले थे वीआईपी विजेंद्र वाकई में एकदम परफेक्ट बोले थे और एकदम सही बोले थे। अब देखिए ऋतिक सिंह का कहना है कि रखने लायक होंगी तभी ना, थोड़ा ये भी क्लिप सुन लीजिए। रहने वालों के साथ रह जाता है ना भाई, किसी के साथ थोड़ी कोई रह लेगा। अब ऋतिक सिंह का ये भी कहना है कि हम कैमरे के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो घरेलू मामला है, जब सारे बात को बोल ही दे रहे हैं तो भाई छिपाना क्या है। अब बोलते हैं कि आरा में पार्टी हुई, भतीजो हुई, दूसर शादी हुई। तो और अगर वही बात करें ज्योति सिंह के पिताजी की, तो देखिए वो बोल रहे हैं चाचा तनी बताओ आरा में पार्टी करी लो। पार्टी मनेगा, हम देखबे करब। ले बेटा, अब ये आरा में पार्टी कैसे होगा, हमें लगता है कि जो आरा वाला पार्टी है वो कैंसिल किया जाएगा। और पवन सिंह वन टाइम सेटलमेंट जो केस चल रहा है, उस मामले को हमें जहां तक लगता है कि भाई सारे जितने भी पवन सिंह के आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनके चमचे बेलचे हैं उनको साइड किया जाए, तो वाकई में जो मामला है एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए इतना मामला बढ़ चुका है, इतना मामला फैल चुका है, पूरे बिहार यूपी में अगर बात करें तो ज्योति सिंह पवन सिंह ज्योति सिंह पवन सिंह यही चल रहा है सोशल मीडिया पे। भाई जब इतना मामला बढ़ रहा है तो ज्योति सिंह के भैया पीछे कैसे रह सकते हैं। भैया थोड़ा आप भी आइए सामने, पता है बाबू अपन घर झांको। अब देखिए दोस्तों ये सब वीडियो देखने के बाद हमें जहां तक लगता है कि आरा में पार्टी ना हो। अरे बस 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 बस, अब देखिए इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी वीडियो देख के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो वाकई में सत्य लगा हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर ही दीजिएगा यार। जय भोजपुरी।